नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके कंप्यूटर गुरु चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सैमसंग 3201। और दोस्तों इसमें जो प्रिंटर में प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है और जो स्पिनिंग होती है मोटरों की वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जो गियर है वो स्पिन नहीं हो रहे हैं और साउंड भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक साइड का जो इसका ढक्कन है वो रिमूव करना है। मैंने रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के लिए आपको लॉक यहाँ से रिमूव करने हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ का जो गियर है ये यहाँ पे अटक रहा है और इसकी जो मोटर लगी हुई है मोटर के ऊपर की पुली है वो भी घस गई है, पूरी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो हम इसके लिए ये गियर और प्लस ऊपर की पुली दोनों चेंज करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये आप दोनों चेंज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हमने इसके दोनों साइड के ढक्कन जो है वो रिमूव कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। दोनों ढक्कन रिमूव करने के बाद आपको जो ऊपर का स्कैनर यूनिट है वो खोलना है। तो स्कैनर यूनिट खोलने के लिए आपको जितने भी ये स्कैनर यूनिट की केबल वगैरह लगी हुई है वो रिमूव करनी है। तो चलिए इसको रिमूव कर लेते हैं। स्कैनर यूनिट की केबल रिमूव करने के बाद स्कैनर यूनिट को बाहर निकाल लेते हैं। और स्कैनर यूनिट को हम बाहर कैसे निकालेंगे ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हमने स्कैनर यूनिट की सभी केबलें बाहर निकाल ली हैं और अब स्कैनर यूनिट को खोलने के लिए आप ये यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको खोलना है। दोनों स्क्रू आप खोल लीजिए। चलिए मैं पहले पहले स्क्रू खोल लेता हूँ। इसको दोनों जो स्क्रू है वो खोलने के बाद आप इसको तुरंत धीरे से रिमूव कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं ये मैंने बाहर निकाल दी है। उसके बाद जो स्कैनर यूनिट है उसको आपको रिमूव करने के लिए इसको थोड़ा सा दोस्तों स्कैनर यूनिट को रिमूव करने के बाद आपको स्क्रू खोलने हैं। एक स्क्रू यहाँ पे है, एक स्क्रू यहाँ पे है और उसके बाद आप देख सकते हैं एक स्क्रू यहाँ पे है लगा हुआ है और एक स्क्रू यहाँ पे है। तो चलिए हम पहले स्क्रू को खोल लेते हैं। चारों स्क्रू को खोलने के बाद आप दोस्तों इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक यहाँ पर लॉक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं लॉक दिया हुआ है। इसको आपको बाहर निकालना है, टूटना नहीं चाहिए। ये लॉक जो है वो बाहर आ गया है। उसके बाद इसको आराम से रिमूव कर लीजिए। इसको रिमूव करने के बाद दोस्तों जो यहाँ पे स्क्रू, एक स्क्रू यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक स्क्रू है जो वो नीचे लगा हुआ है और एक स्क्रू ये है। ये चारों स्क्रू हमें खोलने हैं। चलिए पहले इनको खोल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसका पीछे का ढक्कन भी रिमूव कर दिया है और आगे एक ढक्कन लगा हुआ था वो भी हटा दिया है। तो उसके बाद चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मैंने स्क्रू एक यहाँ से खोला है, एक स्क्रू यहाँ पे था, एक स्क्रू यहाँ पे है और एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है। मैंने सारों स्क्रू इसके रिमूव किए हैं। उसके बाद हम चलो इसको निकाल लेते हैं।
आप जब भी प्रिंटर खोलो दोस्तों, तो आपको प्रिंटर को जो है टेढ़ा करके खोलना है। सीधा प्रिंटर खोलोगे तो ये पूरा सीक्वेंस आपका जो है वो गड़बड़ा जाएगा। अब दिक्कत ये है दोस्तों कि ये जो मोटर की आप पूरी देख रहे हैं, ये हम चेंज करने वाले हैं। ये पूरी मोटर ही हम चेंज कर देंगे। कैसे इसको करेंगे देखिएगा। और जो हमारा मेन गियर है, मेन गियर भी थोड़ा डैमेज हो गया है। डैमेज कहाँ से हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेन गियर जो है वो यहाँ से अपना डैमेज हो गया है और ये अब प्रॉपरली राउंड नहीं हो रहा है, घूम नहीं रहा है। इसके लिए हम इस गियर को भी चेंज कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, दोनों चीज़ चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले अब आपको ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन हटाना है, पूरा पोर्शन हटाना है। इसके लिए एक स्क्रू यहाँ पे है, दो तीन, ये जितने भी आप, ये आपको खाली दो स्क्रू नहीं खोलने हैं अभी, उसके अलावा जितने भी स्क्रू है वो सारे खोल लीजिए। चलिए सबसे पहले मैं इन स्क्रू को रिमूव कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसके सारे स्क्रू जो है वो रिमूव कर लिए हैं। अब आप इसको आगे से रिमूव कर सकते हैं। एक स्क्रू यहाँ पे भी है, ये स्क्रू हमने नहीं खोला है, ये स्क्रू भी हमें खोलना पड़ेगा। दोस्तों सभी स्क्रू खोलने के बाद ये आपका जो ऊपर का कवर है वो बहुत इजीली रिमूव होने वाला है, तो आप इसको इजी रिमूव कर लेंगे। लेकिन इजी रिमूव करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर का एक वायर लगा हुआ है। ये मोटर का वायर आपको जो है वो अंदर से निकाल देना है। इसको आप रिमूव कर दीजिए। ये मैंने मोटर का वायर जो है वो हटा दिया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मोटर का वायर आपको हटाना है इससे पूरा करने से पहले। तो चलिए अब इसको धीरे से रिमूव कर लेते हैं। सभी गियर हटाने के बाद मैं इसको अब धीरे से निकाल लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा हमने निकाल लिया है। ये निकालने के बाद दोस्तों हम मोटर को भी चेंज करने वाले हैं। मोटर हम दूसरी डालने वाले हैं इसमें, तो हमें जो रिप्लेस करना है वो एक तो ये है और एक ये दोनों, आपको क्योंकि ये टचिंग में चलती है इसके, तो ये हम दोनों चेंज करेंगे। जो गियर है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल ख़राब हो गया है। ये जो इसके छोटे छोटे सॉकेट थे ये ख़राब हो गए हैं, तो हम इसकी जगह दूसरा गियर यूज़ कर रहे हैं। मोटर भी आप देख सकते हैं, हमने दूसरी मोटर अरेंजमेंट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये मोटर बिल्कुल न्यू है और ये जो थी वो बिल्कुल घस गई है, बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो चलिए हम फिर इसको चेंज कर देते हैं। हम जो आइटम न्यू यूज़ करने वाले हैं ये बिल्कुल। और दोस्तों इसको जो गियर है वो कैसे सेट करने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो गियर सीक्वेंस है वो आप एक बार देख लीजिए, और जो गियर सीक्वेंस है वो ऐसे काम करेगा। तो आपको इसी प्रकार पूरा गियर सीक्वेंस लगाना है। ठीक है, चलो दोस्तों इसको फिट कर देते हैं और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ।